इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में 31 जनवरी को मामूली सी बात को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी, सरिये और लात घूसों से बेरहमी से पिटाई की गई थी। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में आने के बाद से आरोपियों के ऊपर मामूली धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को पुलिस द्वारा बचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा थाने पर सुनवाई न होने के चलते पूरी घटना की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई, जिससे थाना कनाड़िया पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाते हुए सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवार के द्वारा मंगलवार को डीआईजी सुनवाई में आए पीड़ित परिवार द्वारा शिकायत की गई कि कनाड़िया थाना पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पीड़ित परिवार के ऊपर मामला दर्ज करने का दबाव भी पुलिस द्वारा बनाया जा रहा है। हाँ बेटा बताओ, ये आपके ऊपर किसने हमला करा था, कब की बात है? ये 31 तारीख की बात है। हाँ। और जीतू लोधी ने और 5-6 गुंडे थे और एक आकाश लोधी था, उनने वो कर मारा पीटी करी थी। किस बात को लेकर मारा पीटी करी थी बेटा? ये ना, मैं खेल रहा था ना, तो मेरे को आके मारने लग गया था और बोलता तेरा गला काट डालूंगा। अच्छा, तो फिर बाद क्या में करा उसने? क्या आग में धक्का दे दिया? हाँ, और आग में धक्का दे दिया था। ये आपको इतनी सारे चोटे काहे चाहिए? उनने ना पापा को और मेरे को मारे थे ना, तो हमको आग में भटक गया था। आपको पुराने विवाद भी है क्या बेटा, कि आए दिन में आपको मारते पीटते क्या करते धमकाते? 6 साल से कर रहे वो जादू टोटका, वो लड़ाई करते, दारू पी के और गाली बकते गंदी गंदी। आज आप यहाँ पर आए, शिकायत करी आपने? नहीं, अभी करने जा रहे। क्या शिकायत करने जा रहे आप? उनकी रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं। अच्छा, थाने पे गए थे तो आपकी थाने पे भी रिपोर्ट लिखी थी? हाँ लिखी, बस अच्छे से नहीं लिखी। और मेरे भैया पे भी कार्रवाई कर रहे, और भैया को तो मैंने बुलाया था बाद में। कितने कितने साल के आपके भाई? मेरे भैया 22 साल के। 22 साल के। और आपके पापा क्या करते? पापा दुकान चलाते, चाय और किराने की। ठीक, आपका नाम? अमूल। पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और जहां पर बात कही जा रही है वहीं पीड़ित परिवार को पुलिस द्वारा धमकियां भी दी जा रही है।
शिकायत लेकर आए हैं? हम शिकायत लेकर आए, मेरे पापा को इन गुंडों ने मारा था, जीतू लोधी, अमरजीत लोधी, आकाश लोधी और 8-10 और लोग थे। तो नहीं, आप थाने गए थे, थाने वाले क्या बोल रहे आपको? हम थाने गए थे, हम 2 घंटे तक बाहर खड़े रहे, पुलिस वालों ने हमारी मदद नहीं करी और हमको बोल रहे थे कि हम तुमको ही बंद कर देंगे। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, उसके बाद 2 बजे रात में आके बयान लिए पापा के, पापा ICU में थे और फिर 2 बजे रिपोर्ट लिखी और अभी भी यानी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे भाई पे केस कर दिया, मेरे भाई को पकड़ने के लिए पुलिस घूम रही है। पुलिस वाले अब क्या बोल रहे हैं आपको, क्या बयान बदलने के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यानी मेरे को बार बार कॉल करके दबाव बनाते हैं कि तुम सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत क्योंकि बयान दे के बंद करवाओ। अच्छा, तो अब आज यहाँ पर क्या शिकायत लेकर आए आप? तो मैं यही चाहती हूँ कि DIG साहब हमारी मदद करे और यानी आरोपियों को सजा मिले। क्या अभी अभी किसी की गिरफ्तारी हुई आरोपियों की कुछ की? ये कंफर्म तो नहीं है, 2 जन का बोल रहे हैं कि तुमने, हमने 2 जन को पकड़ लिया है, आपको आके आप बयान दो। कितने लोग थे मारा पीटी करने वाले? वो लोग 8 लोग थे। तो अभी सिर्फ 2 की गिरफ्तारी बता रहे हैं? गिरफ्तारी अब पता नहीं, वो भी कंफर्म है कि नहीं है बयान। वो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की ना, तो उसको बंद करवाने के लिए बोल रहे हो, तो क्या पता। क्या लगता है पुलिस की आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? हाँ, पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। आपका नाम बताओ? अंकिता ठाकुर। कहाँ रहते हैं आप? कनाडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।